गाइस आप देख सकते हैं मैं कितने अच्छे से लिख रहा हूँ. ओ माय गॉड आप देख सकते हैं. ठीक है ठीक है, आप मेरे को छुट्टी बजा दो. ओके गाइस अब हम इसको कलर करेंगे. एक छुटकी में आपको दो कलर लेने हैं. आप देख सकते हैं दो कलर आ गए. अब हमें इसको लेना है और इसको ऐसे कलर करना है. एकदम आपको ऐसे मीडियम येलो लेना है और आपको मीडियम ही करना है इसको. एकदम मीडियम करके जाना है. और फिर आपको लेना है क्या नाम है इसका, मीडियम येलो. सॉरी ये क्या था, ये डीप येलो के बाद आपको मीडियम येलो लेना है. फिर आपको डीप येलो के साथ मीडियम येलो मिक्स करना है. आप सिर्फ ऑयल पेस्टर का ही ऐसा मिक्स कर सकते हैं. आप चाहे तो पेंटिंग कलर से भी ऐसा मिक्स कर सकते हैं. लेकिन आप क्रेयॉन्स और आते हैं ना वो क्या कहते हैं क्रेयॉन्स और वो प्लास्टिक कलर्स नहीं कर यूज़ नहीं कर सकते. और पेंसिल कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, हाँ. लेकिन क्रेयॉन्स कलर बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, प्लास्टिक क्रेयॉन्स कलर, वरना वो मिक्स नहीं होगा. कर भी कोशिश करते हैं लेकिन ये मिक्स नहीं होगा, ख़राब लगेगा थोड़ा सा. ठीक है अब आपको ये ब्लू लेना है. आपको ये ब्लू लेना है. मैं इसको थोड़ा फाड़ लेता हूँ ताकि थोड़ा ज़्यादा कलर खिल जाए. आपको ये ब्लू लेना है और ब्लू के बाद आपको लाइट ब्लू लेना है. इन दो ब्लू के साथ एक आपको ब्लू ह्यू लेना है और लाइट ब्लू लेना है. ब्लू ह्यू के बाद आप ऐसे पहले करें, ठीक है, ऐसे लाइट करते जाएं. जैसे कि आपको सब पे करना है, मैं सब पे कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ. तो आप देख सकते हैं मैंने कर लिया. आप मैं आऊँगा इसके सोच में. ठीक है, सोच के करने के लिए आपको ब्लैक कलर चाहिए और वाइट कलर चाहिए. तो ब्लैक आपको आउटलाइन में करना है, जो ये लाइन दिख रहा है आपको पूरा इसको ऐसे कवर कर देना है. आपको वाइट इसके ऊपर आपको मिक्स करना है. ये आपको थोड़ा सिल्वर टाइप लगेगा और इसको छुरा कप को से हटा देना है. मैं इसको इसको उठा कर थोड़ा सा हटा देता हूँ. आप देख सकते हैं. फिर आपको आपको
क्या कर ब्लू और ग्रीन और एक येलो लेना है। आप लेमन येलो ले लीजिए। लेमन येलो के बाद आपको ये येलो लेना है और येलो को लेकर आपको यहाँ से देना है, थोड़ा सा यहाँ पर दीजिए। फिर इसके बाद तो क्या करना है, उसको यहाँ पर ऐसे दे दीजिए, ऐसे दे 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 दे, ऐसे आपको मिक्स नहीं करना है, इसके साथ मिक्स नहीं करना है। यहाँ पर दे तो आपको ऐसे थोड़ा सा देना है, आप देख सकते हैं मैं इसे कैसे दिया। फिर आपको येल्लो लेना है, तो आपको बता देती है कौन सा बर्ड है, आपको मका बर्ड तो याद होगा। हाँ, वो ही मका बर्ड है। तो देखो गाइस, मैंने ये कर लिया। अब हम लीफ में ड्राइंग करेंगे। लीफ के लिए आपको मैं डार्क ले लिया, तो लीफ के लिए आपको डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन और येलो चाहिए और डार्क ब्लू चाहिए और डार्क ब्लू चाहिए, ये चार कलर को चाहिए। पहले आपको डार्क ब्लू लेना है, उसके बाद आपको डार्क ग्रीन, उसके बाद हाँ ये ग्रीन, उसके बाद आपको लाइट ग्रीन, ग्रीन के ऊपर मिक्स करना है। फिर उसके बाद आपको ये लेना है येल्लो। क्या लीफ का कलर ब्रिक सा थी, कितना सुंदर लग रहा है। अब हम करेंगे इस ब्रांच में। ब्रांच के लिए आपको डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, रेड ब्राउन, ये मैं आपको कलेक्ट करके दिखाता हूँ। 4, 5, 6 तो ये आपको 6 कलर चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कलर चाहिए। तो पहले आपको मैं यहाँ पर इनको साथ में लग देता हूँ। तो पहले आपको डार्क ब्राउन लेना है। डार्क ब्राउन आपको ऊपर से देना है, आपको इसके पैर में नहीं करना, पैर में हम ब्लैक देंगे, वो भी लास्ट में, वरना सारा ड्रॉइंग ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। हमने यहाँ पर पहले ब्लैक दिया क्योंकि ये एक रूल है। फिर आपको रेड ब्राउन लेना है, रेड ब्राउन से डार्क ब्राउन पर मिक्स कर लेना है। फिर आपको क्या कहते हैं, एक लाइट ब्राउन लेना है। लाइट ब्राउन, फिर आपको येलो ऑकर लेना है। ऑकर भी लाइट ब्राउन टाइप ही है, लेकिन लाइट ब्राउन थोड़ा डार्क है और ऑकर थोड़ा लाइट है, डार्क नहीं है, ऑकर थोड़ा येलो टाइप है, नाम इसका येलो ऑकर है। और आपको इतने भी जगह नहीं छोड़ा, स्किन के लिए थोड़ा सा ही जगह बेहतर है बस। अब स्किन के लिए आपको, स्किन आपको थोड़ा थोड़ा मारना है ना, थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है। तो आप मेरा चैनल बच्चों के लिए बहुत, मतलब बहुत कलर मिक्स का बहुत टैलेंट हो जाएगा अगर आप बहुत देखते हो। तो आपके बच्चों के लिए कलर मिक्स बहुत अच्छा है। अगर आपको आर्ट करना पसंद है तो आप क्लिफ ऐप में जाएं और आर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। क्लिफ ऐप में बच्चों के लिए आर्ट कंपटीशन होते ही रहते हैं। तो आपको अगर आर्ट बहुत पसंद है तो क्लिप ऐप में जाए और अपना आर्ट कंपटीशन पार्टिसिपेट करें।
तो हमारा ये हो गया है, अब हम इस पर कलर करेंगे। इस पर आपको वही है, आपको चाहिए मीडियम येल्लो और डीप येल्लो। पहले आपको डीप येल्लो लेना है, उसी तरह आपको यहाँ पर भी थोड़ा ऐसे लेना है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने एकदम इसकी तरह ये इसकी तरह एक भी किया है। तो आप इसकी तरह ये करना है, तो अभी करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने कर लिया, अब इसकी तरह हम यहाँ पर करेंगे। ओके चलो।